कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम शफीक है और स्वागत है आपका हमारा इस चैनल जिसका नाम है लखनऊ मॉडलर किचन। और आज हम लोगों ने एक काम कंप्लीट किया है, किचन का पूरा काम है। इसकी डिज़ाइन कैसी है, क्या है आप देख रहे हो, इसी के बारे में हम सारी आपसे बात करेंगे। क्या मटेरियल लगा है, कितनी कॉस्ट आई है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने बड़े एरिए में हैं, हर चीज़ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले तो आप इसको एक बार शूट कर लो कैमरामैन की कैसे इसका डिज़ाइन है, ताकि हमारे दोस्त लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, इसको अच्छे से प्रॉपर देख लीजिए कि किस तरह से ये बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये तीन बॉक्स हमने दे रखे हैं, कटलरी, प्लेन और थाली। ये आपकी फाइबर की ट्रे है, ये कटलरी है, इसके अंदर छुरी, चम्मच, स्पून जो भी होता है वो इसमें आता है। और टेंडर बास्केट लगाई हम लोगों ने, बहुत ही फ्री चलती है। ये आपकी प्लेन बास्केट है, मल्टीपर्पज़ बास्केट है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपकी ये बास्केट आती है, इसमें प्लेट का ऑप्शन, थाली रखने का ऑप्शन है। ये सेकेंड नंबर पर आते हैं तो ये आपका गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर सिलेंडर के लिए डोर दे रखा है, ये सिलेंडर के लिए हाइड्रोलिक कब्जे है इसके अंदर आपके। ये आपका कॉर्नर है, पूरा कॉर्नर खुलेगा, उसके अंदर हम लोगों ने ये अंदर क्राउजर पूरा लगा रखा है इसके अंदर, ये आपका क्राउजर हो गया है और एल शेप में पूरा ये आप देख रहे हो। उसके बाद इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमने सामने चार बास्केट दे रखी है, सामने से आप आ जाइए। ये आपकी मल्टीपर्पज़ बास्केट हैं, टेंडम बास्केट कहलाती हैं, ये हाइड्रोलिक टेंडम बास्केट हैं आपकी। मल्टीपर्पज़ है तो इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, दाल के डिब्बे, कुकर, भगोना, कढ़िया, इस तरह की मल्टीपर्पज़ चीज़ें जो भी आपको हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चारों में आप डाल लोगे। फिर ये एक तरफ आपका कॉर्नर हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरफ से खुलेगा ये, इस कॉर्नर को हम लोगों ने एकदम प्लेन कॉर्नर रखा है। आटे का ड्रम है, कंटेनर है या दाल के डिब्बे हैं, इस तेल के डिब्बे हैं, इस तरह की चीज़ें इस कॉर्नर में आसानी से स्टोर हो जाएगी। ये आपका वाटर पुल आउट है, छोटे सामान, छोटी सॉस, अचार, दानी, सब चीज़ों की रखने के लिए ये आपका ये हो गया। इसके बाद इस आपको दो डोर दे रखे हैं, यहाँ पर डस्टबिन होल्डर है, कूड़ेदान रखने के लिए डिटर्जेंट होल्डर है, सिंक के नीचे का एरिया है पूरा, इसको हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर कवर कर रखा है। ये आपका 18x24 का सिंक, स्टील का पूरा सिंक है आपका। और यहाँ पे हम लोगों ने ये आपको देख रहे हो तो पत्थर एक दे दिया है हम लोगों ने, ताकि पानी नहीं धुलने पे, वॉश करने पे अक्सर पानी उस तरफ चला जाता है, तो इसको पूरा हमने यहाँ से कवर कर रखा है कि अच्छे से यूज़ हो और उस तरफ पानी ना जाए। यहाँ पे ये जो आप पूरा एरिया सामने का देख रहे हो, ये आपका आरओ का सेक्शन है, यहाँ पर आरओ के लिए इन्होंने दे रखा है, यहाँ आपका आरओ फिल्टर हो गया, इसको भी कवर कर दिया हम लोगों ने। हाइड्रोलिक डोर हैं तो बहुत ही आसानी से बिना आवाज़ के बंद हो जाते हैं। ये आपका क्रॉकरी के मकसद से शीशे दे रखे हैं आपके, यहाँ पे शीशे के डोर हैं, शीशे की शेल्फ है, अंदर लाइट है आपकी, इसको भी बंद करेंगे तो इस तरह से बंद हो जाएगा। ये आपका कॉर्नर, जैसे नीचे का कॉर्नर है ऐसे ही ऊपर का कॉर्नर है, अंदर पार्टीशन दे रखे हैं हम लोगों ने। और हैंडल का इस्तेमाल ना करके, आजकल थोड़ा ट्रेंड भी चल रहा है प्रोफाइल हैंडल का, आजकल ट्रेंड है तो हम लोगों ने प्रोफाइल हैंडल दे रखे हैं, रोज गोल्ड कलर है प्रोफाइल हैंडल का। ये आपके हाइड्रोलिक डोर हैं, आप हल्का सा पुश करते हो तो ये अपने आप उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पंप लगा होता है, ये आप करोगे तो उड़ जाएगा। ये राइट और लेफ्ट हाइड्रोलिक डोर है, बीच में डोर दे रखा है, यहाँ पे तीन पार्टीशन हैं, आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो इसको ऊपर नीचे, उस हिसाब से दे रखा है। यहाँ पर फिर इस तरह से दो डोर हो गए आपके, दोनों डोर उसी तरह से बना रखे हैं, मल्टीपर्पज़ डोर हैं, आप अपने हिसाब से जो भी चाहो सामान रख लोगे इसके अंदर। ये आपका कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर के अंदर भी हमने पार्टीशन डाल दिए हैं, छोटे छोटे पार्टीशन, बहुत सा सामान स्टोर हो जाता है इसके अंदर। यहाँ पर ये पार्टीशन हो गया आपका। ये आपका चिमनी का एरिया है, एलेका कंपनी की चिमनी लगी हुई है इसके अंदर, ऑटो क्लीन, सेंसर, टच, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन है। इसके अंदर आप जैसे करते हो तो ये स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपका चूल्हा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर विंडो थी, चिमनी लगने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने हाफ विंडो को बंद कर दिया है और हाफ पर चिमनी लगा दी है। अच्छा, इसकी मटेरियल की अगर सारी बात करें तो मटेरियल जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो आपका एक्सन टेशा का मटेरियल है।
एक्सन टेशा हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। HDHMR होता है, 7 साल ऑन पेपर कंपनी गारंटी रहती है, वाटर रेजिस्टेंट टर्मिनेट प्रूफ पूरा होता है। इस पर ही सारा काम किया गया हम लोगों ने। कब्ज़े जो लगाए हैं हम लोगों ने, हाइड्रोलिक कब्ज़े लगाए हैं, ओजोन कंपनी के सारे कब्ज़े लगाए हैं हम लोगों ने। ये कब्ज़े आपके हो गए। और हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस आपको बताना भूल गए कि नीचे बॉक्स पे जो जितने भी आप रोशनी देख रहे हो, प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी रोशनी आती है, तो हम लोगों ने नीचे पूरा प्रोफाइल लाइट दे रखी ताकि किचन में रोशनी की कमी ना रहे और पूरे किचन में एक अच्छी रोशनी हो जाए। इसलिए नीचे के जितने भी बॉक्स हैं इन सब में हमने पूरी प्रोफाइल लाइट दे रखी है प्लेटफॉर्म पे, इससे वो अच्छी रोशनी आ जाती है। और इस किचन की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो करीब करीब ये 10 के आसपास ये एरिया है, 10, ये 5 है और ये 4 है, 10x5 यू शेप का पूरा किचन बना रखा है हम लोगों ने। और इस पे लेमिनेट की बात करें तो एक्रेलिक शीट लगाई है, 1.5 mm की एक्रेलिक शीट लगाई है हम लोगों ने। HDMR पे सारा काम किया है आपको बताया ही है। और लगभग पूरे कॉस्ट की अगर बात करें तो 1.20-1.25 के आसपास तो सिर्फ किचन की कॉस्ट आई है, जिसमें से चिमनी इंक्लूड नहीं थी। करीब 14,000-13,000 रुपये के आसपास की चिमनी है हमारी और 1.25 लाख रुपये के आसपास का किचन जाता है विद मटेरियल, इसमें शीशा, लाइट, प्रोफाइल, एक्रेलिक, HDMR, लेबर कॉस्ट सब कुछ जब आप जोड़ोगे तो करीब करीब पर स्क्वायर फीट का खर्च आप मान के चलिए 1500 से 1600, 1450 इस तरह के हिसाब में पर स्क्वायर फीट का खर्च आता है। पूरे किचन के अंदर की अगर बात करें इसमें आपका ग्रेनाइट इंक्लूड नहीं होता है, ग्रेनाइट और चिमनी को छोड़ के 1500-1600 रुपये के आसपास का ये पूरे किचन की कॉस्ट आई है पर स्क्वायर फीट, करीब 1.25 लाख रुपये। पूरा सेटअप आप देख रहे हो किस तरह से है, यहाँ पर लखनऊ के अंदर ही सारा काम किया गया है। ये आपका IIM रोड कहलाता है, सीतापुर रोड के आसपास से IIM रोड है, वहाँ पे ये सारा काम किया गया है। हम लोग सारा काम लखनऊ में करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा आया, पसंद हो, आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ नए लोग जो इन वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको भी कुछ काम कराना है या हमसे कुछ पूछना है इसके बारे में तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आता रहता है, आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।